नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस के एक अद्भुत सेशन में फिर से हम आज जो अपने 6 टॉपिक्स है वो कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे निरामैक एंड ऑयल पाम मिशन क्या है, ये इसके ऊपर देखेंगे। उसके बाद जानेंगे रिन क्या है, बेसिकली नागालैंड से रिलेटेड है। फिर एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन एयरफोर्स, तो थोड़ा डिफेंस सेक्टर पर बात की जाएगी। फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है। फाइनेंस आपके फाइनेंस से रिलेटेड है, बेसिकली कंपनी है जिसको लेके अभी हाल फिलहाल चर्चा में रहा, तो सोचा मैंने कि इसको लेके कुछ आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, दैट इज बाइनेंस। और बाइनेंस में क्या हो रहा है इसको जानेंगे। मालाबार नेवल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल का, ये भी देखेंगे। एंड फाइनली MCQs फॉर प्रैक्टिस। सो आर वी रेडी, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहला है हमारा निरामैक एंड पाम ऑयल मिशन। हाल फिलहाल कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको खुद प्रधानमंत्री जी चेयर कर रहे थे, उन्होंने बोला कि हम 77 करोड़ लगभग इसका एक रिवाइवल पैकेज अप्रूव कर रहे हैं फॉर द रिवाइवल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, दैट इज निरामैक। क्या है निरामैक की फुल फॉर्म? नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राइट? सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ निरामैक। इसी दिन जिस दिन उन्होंने ये अनाउंसमेंट की, उसी दिन यूनियन कैबिनेट ने भी नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम NMEOOP इसको भी मंजूरी दी और बोला कि ये एक नया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विद अ स्पेशल फोकस ऑन द नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। निरामैक की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स पे आएंगे। तो निरामैक क्या है? निरामैक जो है आपकी एक CPSE है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, लिमिटेड लगाई हुआ है पीछे देख सकते हैं। और किसके कंट्रोल में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल MDONER इसके कंट्रोल में आती है। सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ये मंत्रालय देखता है। निरामैक वॉज सेटअप टू सपोर्ट द फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न गेटिंग रीन्यूमरेटेड प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस एंड देयर बाय ब्रिज द गैप बिटवीन द फार्मर्स एंड द मार्केट एंड ऑल्सो टू एनहांस द एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक इनपुट दे देता हूँ। ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये, तो इसमें थोड़ा सा इनपुट मैं आपको दे देता हूँ। आपने नाम सुना होगा इंडस्ट्रियल रिलेशंस, राइट? इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इसी को देखते ही काफी सारे मतलब चीजें बनाई जाती हैं सोशल सिक्योरिटी के पैमाने पे। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या, माफ कीजिएगा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो पैरामीटर है, अगर आप इसे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो कोई इकोनॉमिस्ट इंडस्ट्रीज और उसके साथ के रिलेशन को क्या सोचेगा? बेसिकली इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब है रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक? अब कोई इकोनॉमिस्ट है तो वो इसके इस रिलेशन के बारे में कैसे सोचेगा? वो मार्केट फोर्सेस को देखेगा, वो डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम को देखेगा, इन सब चीज़ों को देखेगा। वहीं पे अगर हम ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच की बात करें तो फिर वो वहाँ पे देखेंगे कि कितना ग्रोथ हुआ है और क्या कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, मेंटल ट्रॉमा क्या है, मतलब मेंटल स्टेबिलिटी कितनी है उस काम को करते वक्त, वो उसको एंजॉय कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं इस रिलेशंस में, इस पैरामीटर में देखी जाती हैं। तो सेम ऐसा ही रिलेशन निरामैक, क्योंकि एक इंडस्ट्री है, सो दिस इज द सेम रिलेशन बिटवीन द निरामैक एंड द फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स गेटिंग एंगेज विद दिस लिमिटेड कंपनी, क्लियर है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अंडरटेक डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स विद इन एंड आउटसाइड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड द सप्लाई ऑफ इनपुट्स टूल्स इक्विपमेंट एक्सेट्रा रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है, ये हॉर्टिकल्चर को भी ले रहा है और साथ ही साथ जो दूसरे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनको भी कवर अप कर रहा है द रिवाइवल, क्योंकि ऐसा जैसे अनाउंसमेंट की गई थी उसमें बोला गया था कि वी आर गिविंग अ रिवाइवल पैकेज। आप अगर PIB की साइट पर जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे पूरा पूरा ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा। तो ये जो रिवाइवल है निरामैक का, विल एंश्योर द रीन्यूमरेटिव प्राइसेस ऑफ द फार्मर्स एंड प्रोवाइड बेटर फार्मिंग फैसिलिटीज एंड ट्रेनिंग टू द फार्मर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है किसानों की, जो भी मतलब स्थिति है उसको बेटर करने की। हालांकि पूरे भारत में जरूरत है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि 6 महीने काम किया जाता है, जैसे लद्दाख की तरफ की अगर हम बात करें तो 6 महीने काम करना होता है, 6 महीने आराम करना होता है, क्योंकि ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन है, पैरामीटर्स है, वही उतने वायबल नहीं है। इसके साथ साथ एक अनाउंसमेंट और हुई थी, दैट इज ऑयल पाम मिशन या फिर पाम ऑयल मिशन, कुछ भी आप कह सकते हैं।
ये जो है NMEOOP यानी कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल पाम वाज सेट अप विद इन द स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ड्यू टू कंड्यूसिव वेदर कंडीशंस इन द रीजंस। आपको मैं एक और बात बता दूं पाम ऑयल को लेकर कि भारत विश्व में सबसे ज्यादा पाम ऑयल इम्पोर्ट करता है। सो इंडिया इज द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ पाम ऑयल इन द वर्ल्ड। एक्सपोर्टर में इंडोनेशिया सबसे ज्यादा करता है, ठीक है। अब इंडिया के अंदर में मिजोरम जो है, मिजोरम में इसको मतलब हाईएस्ट जो है देखा जाता है क्योंकि वहां की जो वेदर कंडीशंस हैं वो इसके बिल्कुल कंडीसिव है। पाम ऑयल्स विल बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड विल गेट रेम्यूनरेशन अंडर अ प्राइस एंड वायबिलिटी फार्मूला, P&V फार्मूला इसे कहा जाता है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल्स बाय रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ऑन पाम ऑयल देयर बाय बेनिफिटिंग ऑयल पाम फार्मर्स एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो अब सरकार इस पर ये कहना चाह रही है कि देखो विश्व में तो हम हैं नंबर वन पे इम्पोर्टर के मामले में, तो इसको थोड़ा कम करते हैं ताकि अपना बैलेंस भी जो अपना कैड वगैरह है ये सब भी इम्पोर्ट बिल वगैरह जो है ये सब भी पूरा नियंत्रण में आ जाए और जिस इलाके में ये ज़्यादा कंड्यूसिव है वहाँ के लोग ही इसका बेनिफिट उठाएं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो वहाँ पर तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसी वजह से मिजोरम को जो है वो पुश किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे ज़्यादा मिजोरम को इस चीज़ को लेकर पुश किया जा रहा है। द मिशन एम्स टू इंक्रीज द एरिया अंडर कल्टिवेशन फॉर ऑयल पाम बाय एन एडिशनल ऑफ एरिया ऑफ 6.5 लाख हेक्टेयर देयर बाय रीचिंग द टारगेट ऑफ 10 लाख हेक्टेयर इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो सरकार ने इसके लिए कमर जो है वो कस ली है कि भैया हम इसको करके रहेंगे, इसका भी इम्पोर्ट हमें रिड्यूस करना ही करना है। हालांकि काफ़ी और चीज़ें हैं जिसपे सरकार ध्यान दे रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे आने वाले सेशंस में। सो दिस इज द नैरामैक नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर आप देखेंगे पाम ऑयल के टॉप 5 ग्लोबल इम्पोर्टर में तो लगभग 20% का शेयर जो है भारत के पास है। उसके बाद दूसरे नंबर पे चाइना आता है, फिर पाकिस्तान है, फिर नीदरलैंड है एंड देन इटली। एक्सपोर्टर के मामले में आप देख सकते हैं 52% एक्सपोर्ट इंडोनेशिया अकेला कर रहा है, आफ्टर दैट मलेशिया, नीदरलैंड्स, ग्वाटेमाला एंड जर्मनी, राइट। सो इनको थोड़ा सा आप याद रखिएगा, टॉप 5 के लेवल पे तो कम से कम याद ही रखिएगा, आपसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आ सकते हैं। अपनी दूसरी स्टोरी पे चलते हैं, दैट इज रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड दैट इज रिप। वैसे अगर भारत की मॉडर्न हिस्ट्री को देखो तो एक रिन रिवॉल्ट भी हुआ था, रॉयल इंडियन नेवल म्यूटनी, राइट। सो वट द रिन विल बी द मास्टर लिस्ट ऑफ ऑल इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ द स्टेट। तो बिल्कुल एनआरसी के जैसा एक ही ये कंसेप्ट है, 2019 का कंसेप्ट है, अभी का कंसेप्ट नहीं है। तो सर ये आप न्यूज में क्यों लेके आए? ये न्यूज में इसलिए लेके आए क्योंकि यहाँ के एक नेता ने, एक स्थानीय नेता ने एक फियर जो है वो जाहिर किया कि अगर इस तरीके की चीजें हम करेंगे तो हो सके कि जो आसाम में हो रहा था वो नागालैंड में भी देखने को मिले। अब ये लाया क्यों गया? देखिए इस तरीके के जो रजिस्टर लाए जाते हैं, इंडिजिनस नाम आ गया ना, इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स, इनका मकसद होता है कि जो आउटसाइडर्स आ रहे हैं, जो फेक जो है सर्टिफिकेट बना लिए हैं और आउटसाइडर्स आके जो यहाँ की जो जॉब है, स्थानीय जॉब है, लोकल जॉब्स हैं जो लोकल पीपल के लिए होती हैं, वो सब खा जा रहे हैं, वो सब मतलब खत्म हो कर रहे हैं, सारे बेनिफिट्स को यही लेके जा रहे हैं, तो जो वहाँ के लोकलाइट्स हैं उनको बेनिफिट्स मिल नहीं रहे हैं, तो उस वजह से ऐसी जो है रजिस्टर वगैरह तैयार किए जाते हैं, रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड। द रिन विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एन एक्सटेंसिव सर्वे विद द हेल्प ऑफ विलेज वाइज एंड वार्ड वाइज लिस्ट ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स बेस्ड ऑन द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। इट विल बी प्रिपेयर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। No fresh indigenous inhabitant certificate will be issued after the RIN is completed। सिर्फ एक केस को छोड़ के कि जो भी indigenous inhabitant है अगर उनका कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसको फिर जो है हम इशू कर देंगे, साथ बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ ही कर देंगे, अदरवाइज तो जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया फिर हम किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट indigenous inhabitant के लिए इशू नहीं करेंगे। द RIN डेटाबेस विल बी अपडेटेड एंड अकॉर्डिंगली। The RIN will also be integrated with the online system for inner line permit. A temporary document non-inhabitants are required to possess for entry into and travel in the Nagaland. The entire exercise will be monitored by the Commissioner of Nagaland. In addition, the state government will designate nodal officers of the rank of a secretary to the state government. The state government through a notification on June 29, 2019 had decided to update the register of indigenous inhabitants of Nagaland. Aur ye unhone bola tha ki hum जो कट ऑफ डेट है वो 1 दिसंबर 1963 की लेंगे। क्यों लेंगे ये डेट? क्योंकि यही वो डेट है जब नागालैंड को स्टेटहुड की प्राप्ति हुई थी, जब नागालैंड को बोला गया था कि नाउ यू आर अ स्टेट इन इंडिया। लेकिन कई वहां के जो लोकल जो वहां से अब कोई भी आप करेंगे तो ऑब्वियस बात है जो अपोजिशन के पार्टी वाले हैं या जो इससे सहमत नहीं रखते वो अपनी इच्छा जाहिर करेंगे, अपनी बातें रखेंगे, तो उन लोगों ने डिमांड किया कि कट ऑफ डेट को आप चेंज करके 28 अप्रैल 1977 को कीजिए, क्योंकि यही वो दिन था
यानी यही वो डेट थी जब गवर्नमेंट ने इस तरीके का क्राइटेरिया, इस तरीके की बातें की थी लोकल रेजिडेंट के लिए। अब इसमें चैलेंजेस क्या है जो वहाँ के स्थानीय नेताओं को डर लग रहा है, दैट कि अगर हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो कुछ जो नागालैंड के जो कुछ स्थानीय निवासी हैं वो शायद इससे बाहर हो जाएं, कुछ ऐसे हों जो मतलब जिनको इलीगल इमिग्रेंट्स घोषित की जा सके और जिसकी प्रॉपर्टी है तो उसको फिर प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकती है अगर हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो। सो एक बेसिक जानकारी मैंने आपको रिन के ऊपर दे दी है, तो आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके और बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तीसरे पे चलते हैं, डिफेंस सेक्टर में एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी एंड IAF। DRDO ने अभी हाल फिलहाल एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप किया है टू सेफगार्ड फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है, एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी, इससे क्या होता है कि जो आपके जो एयरक्राफ्ट है उसको सेफगार्ड किया जाता है, जो भी मतलब रडार, जो भी रडार पे जो भी थ्रेड वगैरह दिखते हैं उसको देखते हुए ये अपने आप ही मतलब एक्टिवेट होता है और फिर मदद करता है पूरी तरीके से जो भी इंडियन का फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको सेफगार्ड करने में। द टेक्नोलॉजी हैज बीन गिवन टू द इंडस्ट्री फॉर प्रोडक्शन इन द लार्ज क्वांटिटीज टू मीट द एनुअल लोडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। डिफेंस मिनिस्टर ने भी DRDO के इस काम के लिए उनको काफी मतलब पीठ थपथपाई है उनकी और बोला है कि बहुत अच्छा कदम है आत्मनिर्भर भारत की ओर। सो चेफ टेक्नोलॉजी क्या है, बेसिकली चेफ जो है, मैं आपको बताता हूँ, चेफ जो है इसमें छोटे छोटे एल्यूमिनियम और जिंक के फाइबर्स होते हैं, राइट। जैसे ही कोई हमला होने वाला होता है, रडार से तो पता चल जाता है सेंसिटिव कोई टारगेट आ रहा है हमारी तरफ, रेडियो फ्रिक्वेंसी से पता चल जाता है कि कोई एनिमी मिसाइल आ रही है, तो क्या करता है कि ये अपने आप ही इजेक्ट हो जाता है और जैसे अनार के बम नहीं फूटते उसी तरीके से जो है ना मल्टीपल डायरेक्शंस में ये मतलब बिखर जाता है, ताकि जो मिसाइल आ रही है अगर उसे बिल्कुल गाइड किया गया है तो उसको कन्फ्यूज करने के लिए कि यार ये क्या हुआ, ये मतलब ये एयरक्राफ्ट किधर चला गया, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए ये चीज़ें लाई जाती हैं। और इससे क्या होता है कि जो आपका जो मेन एयरक्राफ्ट है वो बच जाता है, राइट। मैं आपको एक बार चेफ दिखा देता हूँ, दिस इज द चेफ, राइट। ये एल्यूमिनियम और इसके जिंक की कोटिंग होती है तो यही बाहर इजेक्ट होकर निकल जाते हैं, राइट। DRDO के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो DRDO वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इट इज वर्किंग टू एस्टैब्लिश अ वर्ल्ड क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस फॉर इंडिया एंड प्रोवाइड डिफेंस सर्विसेज। 1958 में इसका गठन हुआ था, कंबाइन किए गए थे दो चीज़ों को, TTDP जो कि डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन थी और फिर टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, इन दोनों को मर्ज करके DRDO बनाया गया था। और DRDO ही वो मतलब संस्था थी जो IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को जिसने लॉन्च किया, जो रिस्पॉन्सिबल था। सो वन ऑफ द वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आप याद रखिएगा एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी फॉर द इंडियन एयरफोर्स, राइट। चलिए आगे चलते हैं अपनी अगली स्टोरी पे, दैट इज फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट। NTPC ने क्या किया, NTPC वैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो NTPC ने क्या किया है, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट 25 मेगावाट का सिमादरी थर्मल स्टेशन जो कि आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है वहां पर कमीशन कर दिया है। दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट टू बी सेटअप अंडर द फ्लेक्सिबिलाइजेशन स्कीम नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2018। तो कुछ इस तरीके से चित्र में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इनका पावर प्लांट होता है, राइट। और ये कहाँ पे सेटअप किया गया है, सिमादरी थर्मल स्टेशन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। सोलर PV प्रोजेक्ट क्या है, द फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन हैज अ यूनिक एंकरिंग डिजाइन एंड स्प्रेड ओवर 75 एकर्स इन अ रिजर्वोयर। दिस फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट हैज द पोटेंशियल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर मोर देन 1 लाख PV मॉड्यूल्स जो कि 7,000 घरों को कवर अप करेगा और साथ ही साथ जो आपका कार्बन एमिशन है उसको भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। द प्रोजेक्ट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू सेव 1364 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर पर एनम। दिस वुड बी एडिक्वेट टू मीट द ईयरली वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ 6,700 हाउसहोल्ड्स, राइट। सिमादरी थर्मल स्टेशन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, नाम आपको याद रह जाएगा, राइट। ये भारत का एक तरीके से पहला सोलर प्रोजेक्ट है जो सेटअप किया जा रहा है। NTPC आप जानते ही हैं NTPC के बारे में, इट इज इंडियाज फर्स्ट एनर्जी कंपनी टू डिक्लेयर इट्स एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल्स। हमने कवर अप किया है एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल्स क्या होते हैं, ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, जो कि कवर अप होते हैं UN हाई लेवल डायलॉग ऑफ एनर्जी ऑन एनर्जी एंड हैज अ सेट टू टारगेट इंस्टॉल 60 GW ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2032। तो टारगेट्स वगैरह थोड़ा आप ध्यान रख लीजिएगा एग्जाम के हिसाब से। With a total installed capacity of 66,900 megawatt, NTPC group has 71 power stations, including 29 renewable projects. Right?
तो ये थोड़ी सी एनटीपीसी के ऊपर बातें थी। नाम थोड़े जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, सिमहाद्री, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, 25 मेगावाट, ये सब चीज़ें थोड़े सा आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं बिनेंस पे। देखिए बिनेंस क्या है, बिनेंस रिलेटेड आपके क्रिप्टो करेंसी से। क्रिप्टो करेंसी क्या है, जो क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, जो फंक्शन होती है, मतलब इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ, यू कैन से इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर के तौर पे जो है ब्लॉकचेन इसमें काम करता है। डिसेंट्रलाइज तरीके से ये पूरा पूरी तरीके से काम करती है। काउंटर फिटिंग होना इस पर बहुत मुश्किल है, डबल स्पेंडिंग इसमें होना बिल्कुल मुश्किल है, और कहीं ना कहीं सरकार के नियंत्रण से ये बाहर है अगर ये आ जाता है। तो बिनेंस क्या है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, राइट। तो बिनेंस क्या है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो कि बहुत सारी सर्विसेज देता है अक्रॉस द वर्ल्ड उन लोगों को जो क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, उनकी ट्रेडिंग में डील करते हैं, लोन और नॉन फंजिबल टोकन्स वगैरह लेते हैं। अब इट ऑल्सो रनस अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, और इनका अपना खुद का कॉइन भी है जिसका नाम इन्होंने दिया हुआ है बिनेंस कॉइन। दिस इज द थर्ड बिगेस्ट कॉइन इन द वर्ल्ड, जिसकी वर्थ है $68 बिलियन। अब इस तरीके से आप देखें तो बिनेंस में जो है वो लीड कर रहा है क्रिप्टो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को लेके, 55% का शेयर है इनका ओवरऑल मार्केट में। बिनेंस को जो हेड कर रहे हैं उनको प्यार से सीजेड कहा जाता है, चेंगपेंग जाओ, कैनेडियन है बेसिकली, तो उनको सीजेड कहा जाता है। है कैनेडियन लेकिन नेम है चाइनीज जैसा साउंड हो रहा है। बाइनेंस हैज बिल्ड अप अ ह्यूज फॉलोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड विद चैनल्स ऑन द टेलीग्राम सोशल मीडिया फॉर द यूजर्स इन मोर देन 30 कंट्रीज। तो अभी क्या हुआ है कि इनकी थोड़ी सी तफ्तीश वगैरह की जा रही है, ठीक है, क्योंकि इनका जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है पूरा ओपेक है, हो क्या रहा है पता ही नहीं चल रहा है, कंपनी की होल्डिंग्स किस किस तरफ है पता ही नहीं चल रहा है। तो काफी जो है इनमें जो है मतलब अभी इनकी थोड़ी सी तफ्तीश जो है चल रही है, और इन्होंने भी अपने काम को काफी रिस्ट्रिक्ट किया है। इन्होंने बोला है कि हम डेरिवेटिव्स जो है, जो ट्रेडिंग वगैरह है, उन सबको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जैसे हांगकांग यूजर्स के लिए हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर इसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन डॉलर वगैरह इन सब के लिए भी हम स्टॉप कर रहे हैं। इस और अभी हाल फिलहाल इन्होंने एक यूएस ट्रेजरी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर को अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अपॉइंट किया था इस फॉर्म में। सो बिनेंस आप याद रखिएगा एक तरीके का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, ठीक है। न्यूज में इसलिए आया क्योंकि थोड़ी सी इनके ऊपर जो है ना तफ्तीश वगैरह चल रही कि भैया तुम कर क्या रहे हो, राइट। चलिए आज की आखिरी स्टोरी पे बात कर लेते हैं, मालाबार नेवल एक्सरसाइज। मालाबार नेवल एक्सरसाइज आप जानते ही हैं, 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी, बायलेटरल था पहले। पहले कौन कौन थे, पहले इसमें इंडिया और यूएस की जो है नेवल एक्सरसाइज, नेवल इंडिया और यूएस की नेवी ही इसमें पार्टिसिपेट करती थी। 2015 में फिर इसे ट्राइलेटरल किया गया और जापान को इसमें लाया गया। इस साल यानी 2021 में क्या हो रहा है कि क्वाड कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब इंडिया, यूएस और जापान तो है ही, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पहली बार जो है शिरकत कर रहा है। अब 26 अगस्त से 29 अगस्त की ये मालाबार 2021 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट होने जा रही है टू द कोस्ट ऑफ गुआम, जो कि एक आइलैंड टेरिटरी है अमेरिका का वेस्टर्न पैसिफिक में। इस बार बोला जा रहा है कि जो एक्सरसाइज है बहुत ही हाई टेम्पो रहेगा, इसमें डिस्ट्रॉयर्स होंगे, फ्रिगेट्स होंगे, कॉर्वेट्स होंगे, सबमरीन्स होंगे। भारत की तरफ से इसमें जो शिरकत ले रहे हैं तो इंडियन स्टेल्थ फ्रिगेट INS शिवालिक है और एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट INS कैडमट है। तो ये दो जो है भारत की तरफ से पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से नेशंस है, भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और ये क्या मतलब क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए आप एक तरीके से कह सकते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए लेके आ जा रहा है इंडो पैसिफिक का जो कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, देखेंगे इसमें आगे। तो आप इतना याद रखिएगा, मालाबार नेवल एक्सरसाइज ट्राइलेटरल है, इस बार ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अपने MCQs पे। आज के MCQs आपके लिए रेडी कर दिए गए हैं। तपश इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च किया है, चार ऑप्शन है आपके पास, जरूर बताइएगा। दूसरा, स्पीसीज ऑफ ग्रे स्लेंडर लॉरिस, हमने इसे कवर अप किया था, तपस को भी किया था, इसको भी कवर अप किया था PIB के अपने सेशन में। स्पीसीज ऑफ ग्रे स्लेंडर लॉरिस, आप जानते हैं स्लेंडर लॉरिस की दो ही स्पीसीज है, रेड वाली है और ग्रे वाली है। तो ये भारत में नेचुरली कहाँ फाइंड किए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ वेस्टर्न इंडिया, जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तीसरा, विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या है, यहाँ पे मैं आपको स्टेटमेंट दे देता हूँ। पहला है ये, इट इज डेवलप्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा, बेस ईयर इसके लिए 2015-16 तय किया गया। तीसरा, इट कंप्राइजेज 3 ब्रॉड पैरामीटर्स, एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है आपको बताना है, 3 स्टेटमेंट आपके लिए इसमें लगा दिए गए हैं, राइट।
पिछले सेशन में जो हमने क्वेश्चन लिए थे उसका समय आ गया है। सबसे पहले विद रेफरेंस टू संवाद इनिशिएटिव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो संवाद जो है आपको पता ही है कि थोड़ा सा मतलब संवाद जो आपका जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके था, हमने इसे कवर अप किया था। तो इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये गलत है। दिस इज नॉट मतलब दिस इज नॉट एन इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इट इज एम्ड एट मेंटल हेल्थ आउटरीच, नहीं। सेल्फ हेल्प ग्रुप और वुमेन एम्पावरमेंट की इसमें बात की गई थी, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, नाइदर वन नॉट टू। दूसरे पे बात करते हैं इंडिगो, इट इज इंडियाज फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप फॉर द कंजर्वेशन, बिल्कुल सही बात है, हमने इंडिगो को गौरव किया था। इट इज डेवलप्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये भी सही है। जर्सी एंड होल्स्टीन फ्रीजियन आर द इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ कैटल, ये टोटली गलत है, ये मतलब बीच में ऐसा कोई स्टेटमेंट डाल के रख दिया था मैंने, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 and 3। तीसरे पे चलते हैं, ग्रेटर एडजटेंट स्टॉक्स गरुड़, ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के किस शेड्यूल में लिस्टेड है, तो सही है इसका आंसर शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में जो है वो गरुड़ जो है लिस्टेड है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी हाल फिलहाल न्यूज में था गरुड़, तो उसको देखते हुए ये सवाल मैं आपके लिए लेके आया था। चलिए आज के सेशन में मेरी तरफ से इतना ही, जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए, पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए, टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है। हम अगले सेशन में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।